बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आनंद मोहन सिंह समेत 27 कैदियों की जेल से रिहाई के संबंध में अधिसूचना जारी की है। आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर बाहर है और आज ही उन्हें ही सहरसा जेल वापस जाना है। अभी तो मांगलिक कार्यों के लिए निकले हैं, फिर जेल जाना है, लौट के आएंगे, रिहाई पर जब ठप्पा लग जाएगा, शादी विवाह से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर लोगों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, जो कुछ फैसला होगा। आपका राजनीतिक सफर जिंदा रहेगा? अब मर तो नहीं गया, जेल में भी रहने के बाद मरा तो नहीं है, वो तो आप समझ रहे होंगे। मरे हुए लोगों को क्यों लोग पूछेगा। देखिए, इस पूरे मामले ने दो घर को चौपट कर दिया। दुख है सर आपको? हाँ, एक लवली आनंद के परिवार को, दूसरा उमा कृष्णैया के परिवार को। झेले हम ही लोग, बाकी तो सब वैसे कहने के लिए बहुत कुछ कर। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। हाँ जी जी जी, उसी केस के तरफ हमारा संकेत। समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं हमारे, लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करना है।